इन वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बायोकेमिस्ट्री का नेम सुनते ही बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमने इसमें बायोलॉजी को स्टडी करना है या फिर केमिस्ट्री को स्टडी करना है। तो बेसिकली हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को और केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स की डिस्कशन इसके अंदर करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में जो सेकंड हाफ है इस वर्ड का, केमिस्ट्री की टर्म क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ना होता है, केमिकल कंपाउंड्स, एंड केमिकल कंपाउंड्स के दरमियान होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को। वाइल बायो जो फर्स्ट हाफ है इस वर्ड का, उसमें हम किसको स्टडी करते हैं, उसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस को ही स्टडी करेंगे, लेकिन ये वो वाले केमिकल कंपाउंड्स और वो वाले केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। वो सारे केमिकल कंपाउंड्स या वो सारे रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, वो हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों ने केमिकल कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस को ही स्टडी करना है, लेकिन ये केमिकल कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस जो हैं कहाँ पर हो रहे होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। इन तीनों वर्ड्स को लेके हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बना सकते हैं, और डेफिनेशन क्या होगी, केमिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस भी आपके लिए इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो। दैट अगर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। हमने इन्हीं तीनों वर्ड्स को कंबाइन करके इसकी डेफिनेशन बना ली है कि केमिकल प्रोसेसेस हैं, मींस के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और केमिकल कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीन चीज़ें आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर बतानी है कि प्रोसेसेस या रिएक्शंस, और इसके अलावा रिएक्शंस के अलावा वो कंपाउंड्स जो कि रिएक्शन करवा रहे होते हैं, और ये कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिस्कस कर रहे हो। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसके लिए हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं मेटाबोलिज्म की। सो बेसिकली मेटाबोलिज्म इज All chemical reactions सो मेटाबॉलिज्म बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले टोटल जितने भी रिएक्शंस हैं, उसे आप कह देते हो कि ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होती हैं। अगर ये रिएक्शंस नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रह सकेंगे और उनकी डेथ हो सकती है। अब जितने भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, फर्दर इससे हमने डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स के अंदर। एक को हम कहते हैं ये एनाबोलिज्म है,
और सेकेंड टाइप को हम कहते हैं ये कैटाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म में बेसिकली क्या होता है कि दो स्मॉलर साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक नया और बड़े साइज का जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होती है। और इन दो छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करवाने के लिए आपको एनर्जी इसके साथ इनपुट करवानी पड़ती है। ठीक है, एनाबोलिज्म में दो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के लिए इन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसे आप खुद प्रोवाइड करेंगे, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है वो साइज़ में भी बड़ा होता है और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो एनाबोलिज्म में बेसिकली क्या चीज़ हो रही है, सेंथिसिस हो रही है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक बड़े साइज का और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इसे ब्रेक डाउन करवाया जाता है स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इट मीन्स कि कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन हो रही होती है। ठीक है, तो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रही है या सेंथिसिस हो रही है किसी चीज़ की, ब्रेक डाउन को आप बोलोगे ये कैटाबॉलिज्म हो रहा है और रिएक्शंस को आप बोलोगे ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। सेंथिसिस की प्रोसेस को आप बोलोगे ये एनाबॉलिज्म है और रिएक्शंस को आप बोलोगे ये एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस ये दोनों कंबाइन करके हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो किसी चीज़ की सेंथिसिस हो सकती है या किसी चीज़ की ब्रेकडाउन हो सकती है। ठीक है, कलेक्टिवली सारे रिएक्शंस को जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उसे हम कह देते हैं ये मेटाबॉलिज्म है। सो अभी हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो देख रहे थे कि किस तरह की केमिस्ट्री होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उनमें से केमिकल रिएक्शंस को देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं ये मेटाबॉलिज्म है, जिसकी फर्दर हमने टू टाइप्स भी देखी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म की। और अब हम देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, बेसिकली हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की भी बात करने लगे हैं। केमिकल कंपाउंड्स जो हमने सेकंड कैटेगरी देखनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स मींस के हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक रेशो में प्रेजेंट होती है, और इनऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, या तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा या फिर वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल होगा। अब दोनों की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखा है ग्लूकोज का C6H12O6। ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों की प्रेजेंस की वजह से आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कहते हो कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वाइल एक में मॉलिक्यूल लिख रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक में मॉलिक्यूल लिख रही हूँ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल सेपरेट है, वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट कार्बन प्रेजेंट है, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ किए हैं ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं। ठीक है, तो कार्बन भी प्रेजेंट अगर है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा और हाइड्रोजन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, एक मॉलिक्यूल में दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केस में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हैं उनको हमने एक और कैटेगरी की बेस पे डिवाइड किया हुआ है और वो है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये जो डिवीजन है ये डिवीजन उनके वेट की बेस पे है, ठीक है। सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके। माइक्रो का मीनिंग आप सबको पता है स्मॉल होता है और मैक्रो मीन्स लार्ज होता है। तो अब स्मॉलर एंड लार्जर क्या है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर? वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो है उसे हम कहते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। लाइक एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों का जो वेट है ये कम है। तो कम वेट वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम कहते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। वाइल वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनका मास ज़्यादा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, हाई है, उसे आप कहते हो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें कोई भी पॉलीसेक्राइड्स की, ये पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं आगे हम देखेंगे, प्रोटीन्स की, ये जितने भी हमारे लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हैं जिनमें मिलियंस की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं उसे आप कहते हो कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। आगे इन सब की डिटेल हमने पढ़नी है, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं उनकी डिवीजन हमने दो बेसिस पे पढ़ी, एक तो उनकी नेचर क्या है, क्या उसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है या फिर ये कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर है, एक साथ प्रेजेंट नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक थे। और सेकेंड डिवीजन अभी हमने पढ़ी है, ये डिवीजन उनके वेट की बेसिस पे है, जिसका वेट लो है उसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल है, जिसका वेट हाई है उसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने साथ लिखती हैं लेकिन आगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इसे हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों कहा था और इन्हें हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों कहा था, ठीक है। सो ये बेटे बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था और इसमें आप लोगों ने देखा कि बेसिकली इसमें आपने बायो को ही स्टडी करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी करना है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस चीज़ को स्टडी करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री जो है ये बायो की ही ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग केमिकल कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस को स्टडी करते हो, ओके। सो ये इंट्रोडक्शन था बायोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स या बायोपॉलीमर्स को पढ़ना है या बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मेरा बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।